अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह अपनी GTA San Andreas में बुगाटी शिरोन कार को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं छोटा सा इंट्रो देखने के बाद। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक ओपन करके आप मेरी वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, यहाँ से आप मेरे चैनल को डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक डाउनलोड बटन मिलेगा, इस डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड बटन पर क्लिक करने के बाद आप गूगल ऐप पर आ जाएंगे। गूगल ऐप पर आने के बाद यहाँ पर आपको फिर से एक डाउनलोड बटन मिलेगा, इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो आपके पास एक ऐसी रार फाइल आ जाएगी। तो सिंपली आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक कर देना है। एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक फोल्डर आ जाएगा, इस फोल्डर को ओपन कर लेना है और इसकी तमाम फाइल्स को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद GTA San Andreas के शॉर्टकट पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कर देना है और राइट क्लिक करके पेस्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास GTA San Andreas का शॉर्टकट नहीं है तो यहाँ पर आपकी GTA San Andreas रार है, उस फोल्डर में आके पेस्ट कर देना है। रिप्लेस आएगा तो रिप्लेस भी कर देना है। तो ये हमारी कार गेम इंस्टॉल हो चुकी है, तो अब चलते हैं गेम प्ले की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं हमारी गेम 100% वर्किंग है। तो अभी हम अपनी बुगाटी चिरोन कार को मंगवा के दिखा देते हैं। तो CTRL प्रेस ए प्रेस करूँगा तो चिट मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपने स्पॉन व्हीकल पर आ जाना है। स्पॉन व्हीकल पर आने के बाद आपने कन्वर्टेबल्स पर आ जाना है। कन्वर्टेबल में आने के बाद ये फर्स्ट नंबर पर ये कमेंट हमारी कार है, तो इसमें स्पेस करूँगा तो ये हमारी कार आ चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी बुगाटी चिरोन कार। तो एंटर प्रेस करते हैं और कार को चला के भी देख लेते हैं कैसी लग रही है हमारी कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अल्लाह हाफिज़, मिलता है अगली वीडियो में।